रामनगरी अयोध्या के अति संवेदनशील क्षेत्र में महापाप का मामला सामने आया है। यहां येलो जीन एरिया में खून से लथपथ मिली 7 वर्षीय मासूम बेटी को तड़फता देख स्थानीयों ने दी पुलिस को सूचना और स्थानीय लोगों ने मासूम को लेकर अस्पताल में पहुंचाया। वहीं मासूम की हालत नाजुक चलते उसे उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया और इस हैवानियत का नंगा नाश करने वाले दरिंदों को पुलिस तलाश कर रही है। आपको बताते चलें कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दिगंबर अखाड़े के पास का ये मामला है, जहां माना जाता है कि इस क्षेत्र के चारों तरफ सुरक्षा का जाल है और हर आने जाने वालों पर सुरक्षा की निगाहें बनी रहती है। लेकिन आखिर ये सुरक्षा उस समय क्यों नहीं देख पाया जब एक मासूम के साथ दरिंदगी हो रही थी। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर कुछ ही दूरी पर इस मासूम का घर है और घर के बगल में ही एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, जहां पूरा मोहल्ला भोजन कर रहा था। उसी समय एक दरिंदा मासूम को किसी तरह पीछे ले गया, जहां उसके साथ अप्रिय घटना हुई और जब मासूम को छोड़कर दरिंदा भाग गया तो वह बेटी अस्त व्यस्त अवस्था में कुछ दूर आई, जहां स्थानीय लोगों के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया और उसे अयोध्या के श्रीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला महिला अस्पताल भेजा गया। नाजुक हालत को देखते हुए अब उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे SSP शैलेश पांडे ने बताया कि बालिका के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और इलाज के लिए बालिका को अस्पताल भिजवाया गया है। दोषी कौन, मामला अज्ञात है। घटना की जाँच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अयोध्या में हुई घटित घटना को लेकर सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा सांसद लल्लू सिंह, विधेयक वेद प्रकाश गुप्ता, सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे सहित राज्य महिला आयोग के सदस्य श्वेता राज सिंह ने परिजनों से मुलाकात की है और इस घटना की निंदा करते हुए अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। वहीं इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।